बैकग्राउंड ब्लर करने का सबसे आसान तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल यूज़ करके, वो भी पिक्सआर्ट में। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, पिक्सआर्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ से टूल्स में जाके आपको टिल्ट शिफ्ट करके दिखाई देगा, उस पर टैप करना है तो ये मिल जाएगा आपको। एक तो हॉरिजॉन्टल है, दूसरा है सर्कल। तो सर्कल पर टैप करके यहाँ पर एडजस्ट करना है कि कितना बैकग्राउंड ब्लर चाहिए आपको। तो नीचे इंटेंसिटी भी दिया गया है, तो उसको भी आप बढ़ा सकते हैं ताकि पूरा का पूरा, मतलब मैक्सिमम ब्लर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इरेजर सेलेक्ट किया हूँ और जहाँ जहाँ पर मुझे ब्लर चाहिए तो वहाँ पर मैं छोड़ के बाकी सारे जगह इरेज कर रहा हूँ। फूल का हम शार्प करेंगे और बाकी सारा चीज़ जो है वो ब्लर कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइज़ सेलेक्ट करके इरेजर का आपको इरेज करते जाना है। तो जहाँ पर शार्पनेस चाहिए आपको, जहाँ पर सब्जेक्ट दिखाना है, वहाँ पर आपको इरेज करना है। बाकी सारा चीज़ जो है वो रीस्टोर ब्रश लेके फिर से ब्लर कर देना है। तो जैसे कि देख रहे हैं, मैं रिस्टोर यहाँ पर फिर से सेलेक्ट किया हूँ। बहुत ही नाजुक से, बहुत ही बारीकी से आपको यहाँ पर करते जाना है जूम करके फ़ोटो को, तो इजी, वेरी प्रिसाइजली हम इसको ब्लर करेंगे। तो सबसे इजीएस्ट तरीका है दोस्तों ये ब्लर करने के लिए, कोई भी फ़ोटो हो अपना ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके, जो बैकग्राउंड ब्लर होता है वो अलग बात है, वो भी आप कर सकते हैं। कोई पर्सन खड़ा है तो बैकग्राउंड ब्लर करना है आपको, तो यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट ऑप्शन करके नीचे दिया गया है ना लेफ्ट साइड में, सबसे पहला ऑप्शन उसको सेलेक्ट करके आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होगा, मास्क होगा तो बाकी सारा चीज़ ब्लर कर देगा। वो भी बहुत ही अच्छा तरीका है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका। तो जहाँ पर हमको ब्लर चाहिए ब्लर कर सकते हैं, और जहाँ नहीं चाहिए वहाँ इरेज कर देना है हमको। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार टिल्ट शिफ्ट यूज़ करने से थोड़ा कुछ यहाँ पर ब्लर नहीं हुआ है जो फ्लावर के आसपास में है, राइट। तो जो फ्लावर के बगल में है वहाँ पर कुछ सब्जेक्ट बैकग्राउंड और भी थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, फिर से टिल्ट शिफ्ट लेंगे हम, दो बार यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ब्राइटनेस, क्लैरिटी और कॉन्ट्रास्ट और थोड़ा ह्यू, थोड़ा टेम्परेचर, शैडो, हाईलाइट, इसका एडजस्ट कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं। और थोड़ा इसका चार्म बढ़ाएंगे फ्लावर का, तो सैचुरेशन बढ़ाना है हमको यहाँ। तो जो कलर है, अगर आप इस रेड कलर को चेंज करना चाहते हैं तो ह्यू से आप चेंज कर सकते हैं, पिंक या कोई भी कलर आप ह्यू सेटिंग को चेंज करते हुए कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फिर से मैंने टिल्ट शिफ्ट लेके रेडियल फिल्टर यहाँ पर लगा के और भी बैकग्राउंड को ब्लर किया है। तो जो भी फ्लावर के आसपास में था वहाँ थोड़ा कुछ बैकग्राउंड दिख रहा था, उसका भी मैंने ब्लर किया है। फिर से हमको इरेजर टूल लेना है, तो इरेजर लेके वहाँ जूम करके जहाँ पर शार्पनेस चाहिए वहाँ रखना है और बाकी सारा चीज़ जो है वो इरेज कर देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं वही मैं यहाँ कर रहा हूँ। बहुत ही इजी, सबसे अच्छा, सबसे इजी तरीका है बैकग्राउंड ब्लर करने का। तो ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हैं, तो ढेर सारे मोबाइल रिलेटेड वीडियोस भी किया हूँ फोटोग्राफी रिलेटेड, आप सब्सक्राइब करके बने रहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, शेयर करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ। आप भी ट्राई करके मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं फोटोज, और लाइक करना ना भूले। वैसे सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हूँ मेरे चैनल पर, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।